गुड मॉर्निंग डियर ऑल, आर यू देयर? आप लोग यदि प्रेजेंट हो तो प्लीज, सभी लोग गुड मॉर्निंग के साथ अपना रोल नंबर जरूर मेंशन करना। अपना रोल नंबर जरूर मेंशन करिए सभी लोग, और थोड़ा सा ब्रीफली टॉपिक स्टार्ट करने के पहले सुन लीजिए। न्यूटन्स ने एक्सपेरिमेंट ऑलमोस्ट अपना कंप्लीट हो गया है, उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो, इंट्रोडक्शन आपका डायमीटर से रिलेटेड और न्यूमेरिकल से रिलेटेड, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना कि इस न्यूमेरिकल में ये समझ भी नहीं आया। आज हम पढ़ेंगे माइकलसन इंटरफेरोमीटर के बारे में, तो इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी वाजपेयी सर ने आपको बता दिया है, फिर भी ब्रीफली उसको रिकॉल करते हुए उसके एप्लीकेशन पार्ट पे हम जाएंगे। कल ही हमने बात की थी कि सस्टेन इंटरफेरेंस करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट यूज़ करते हैं, जैसे एंग्स डबल सीट एक्सपेरिमेंट, न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। माइंड में एक क्वेश्चन आया था कि इतने सारे एक्सपेरिमेंट जब सस्टेन इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करते हैं तो कोई एक ही क्यों नहीं यूज़ करे, तो उसका आंसर बताया था कल मैंने आपको कि बेसिक जो था आपका डबल सीट एक्सपेरिमेंट था, लेकिन उसके बेसिस पे सिर्फ लेमडा निकाल सकते थे, लेकिन अदर कुछ लाइट से रिलेटेड या इंटरफेरेंस के बेसिस पे डिटर्मिनेशन करना है तो उस बेसिस पे नहीं हो पा रहा था, इसलिए न्यूटन्स रिंग की बात करें या बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट की बात करें या माइकलसन की बात करें तो लेमडा तो निकलता ही है सबसे, लेकिन इसके अलावा उनका एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन होता है। जैसे न्यूटन्स रिंग में देखा कि किसी अननोन लिक्विड का हम क्या कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, जो कि डबल सीट एक्सपेरिमेंट से नहीं निकाल सकते। ऐसे ही माइकलसन इंटरफेरोमीटर में हम देखेंगे कि उसका भी अपना कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन होगा जो न तो डबल सीट से सॉल्व होगा न न्यूटन्स रिंग से होगा, और वो किससे सॉल्व होगा आपका, माइकलसन से। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर को जस्ट इंट्रोड्यूस करना है। माइकलसन और इंटरफेरोमीटर पहले भी बता चुके हैं कि नाम में ही बहुत कुछ छुपा होता है। माइकलसन दैट इज जिसने इसको इन्वेंट किया होगा या सेटअप किया होगा उसके नाम के बेसिस पे उससे कोरिलेट। इंटरफेरोमीटर मीटर जिसमें लगा है दैट इज वो कुछ ना कुछ डिटरमाइन करेगा। इंटरफेरो दैट इज किसको कोरिलेट कर रहा है वो, इंटरफेरेंस को। तो मीटर वर्ड दैट इज ए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होगा। हम कौन सा यूनिट पढ़ रहे हैं, ऑप्टिक्स का, दैट इज कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा आपका, ऑप्टिक्स का होगा। तो इंटरफेरोमीटर एक टाइप का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इंटरफेरेंस को प्रोड्यूस किया जाता है और इंटरफेरेंस को प्रोड्यूस करके इसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट किया जाता है कुछ डिटरमाइन, जैसे वेवलेंथ निकालने के लिए, दो पास पास की वेवलेंथ निकालने के लिए, डिस्टेंसेस को वेवलेंथ के फॉर्म में निकालने के लिए। इस प्रकार इसका ब्रीफली हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद आता है इसका कंसेप्ट या वर्किंग प्रिंसिपल। तो जैसे बताया था कि डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड दो कंसेप्ट है जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, सस्टेन इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करते हैं। तो सस्टेन इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करने की जो सेकंड मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, उसको फॉलो करते हुए माइकलसन ने एक इंस्ट्रूमेंट डिवाइस किया जिसे कहते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर। इसके कंसेप्ट की बात करें तो सबसे पहले आप डायग्राम देखिएगा। डायग्राम मैंने बोर्ड पे दिखा रहा हूँ आपको, डायग्राम बोर्ड पे आप देखोगे तो शायद क्लियर होगा थोड़ा बहुत। ये शायद आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं डायग्राम। ऐसे यहाँ पे एक लाइट सोर्स है आपका, एस लाइट सोर्स है। उसके बाद एक G1 प्लेट है, एक G2 प्लेट है, एक M1 मिरर है, दूसरा आपका M2 मिरर है। इसके पीछे आपका बैक साइड में माइक्रोमीटर स्क्रू लगे है, ये भी माइक्रोमीटर स्क्रू लगे है। एस कोई लाइट सोर्स है जहाँ से एम्पलीट्यूड
होता है या लाइट प्रोड्यूस होता है। जीवन की बात करें तो इसके बैक पोर्शन में सिल्वर पॉलिश किया जाता है, दैट इज इसलिए जीवन को हम क्या कहते हैं, बीम स्प्लिटर कहते हैं। सिल्वर पॉलिश करने से, पार्शियली सिल्वर पॉलिश करने से क्या होगा कि जैसे ये इंसिडेंट होगा तो लाइट के कुछ पार्ट को क्या कर देता है, वो रिफ्लेक्ट कर देता है और कुछ पार्ट को क्या करता है, ट्रांसमिट कर देता है। डैट इज एक लाइट रे कितने पार्ट में डिवाइड होगी आपकी, टू पार्ट में, फर्स्ट टाइप का लाइट रे, ये सेकंड टाइप का लाइट रे। ये जो प्लेट है 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होती है, इसलिए इसका जो इंसिडेंस होता है कैसा होता है, नॉर्मल होता है। इस प्रकार यहाँ पे भी कैसी इंसिडेंट होगा आपका, नॉर्मल होगा। ये M1 है आपका, मिरर है। मिरर का सिर्फ ये काम होता है कि जो भी लाइट आता है उसको रिफ्लेक्ट करता है। नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है तो उसी डायरेक्शन में उसका क्या होगा, आपका डायरेक्शन में ये लाइट आपका इंसिडेंट होगा, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। इसी प्रकार हम सेकंड टाइप की लाइट रे की बात करें तो ये भी किसकी ओर जाएगा, आपका M2 की ओर। M2 भी क्या है, एक टाइप का मिरर है। G2 भी सेम थिकनेस की प्लेट है लेकिन इसको सिल्वर पॉलिश नहीं किया है। इसका काम क्या है, सिर्फ वो ट्रांसमिट करता है। इसलिए जीवन को जो कहता है, ये बीम को क्या कर रहा है, स्प्लिट कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बीम स्प्लिटर। G2 क्या कर रहा है, पाथ को कंपनसेट कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, पाथ कंपनसेटर। अब थोड़ा सा माइंड में क्वेश्चन आता है कि यदि मैं G2 प्लेट को हटा दूँ, मान लो इसको मैं हटा दूँ, तो लाइट का पाथ क्या होगा आपका, ये हो जाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में जाएगा और इसी डायरेक्शन में वापस आएगा। अब जस्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि यदि मैं G2 हटा दूँ तो क्या इंटरफेरेंस पॉसिबल है या नहीं है। G2 हटा देते हैं तो आपका ये लाइट का पाथ ही हो जाएगा और उसी पाथ में आपको वापस आ जाएगा। दैट इज हो सकता है आपके माइंड में आया होगा कि हटा देते हैं, वो भी हो सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रीज़न होगा। इसको मैंने नाम दिया है क्या, बीम स्प्लिटर। इसको मैंने क्या नाम दिया, पाथ कंपनसेटर। कभी भी हम देखें इंटरफेरेंस की बात करें, जैसे एक S1 है, दूसरा S2, यहाँ से लाइट रे निकल रहा है, यहाँ से लाइट रे निकल रहा है, दोनों किसी पॉइंट पर क्या हो गए, सुपर पोजिशन होगा, तभी क्या प्रोड्यूसेस, तभी क्या पॉसिबिलिटी, इसका इंटरफेरेंस पॉसिबल है, अदरवाइज इंटरफेरेंस पॉसिबल नहीं है। दोनों की पॉसिबिलिटी क्या है कि जब वो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, दोनों के सुपर पोजिशन की पॉसिबिलिटी क्या है कि S1 से P और S2 से P का जो लाइट है, जो पहुँचने का टाइम है या अराइवल टाइम है पॉइंट P पर, वो ज़्यादा वेरी नहीं करना है। माना कि एक 1 सेकंड बाद आ रहा है और एक मान लो 25 सेकंड बाद आ रहा है, तो दोनों का सुपर पोजिशन पॉसिबल है क्या, नहीं है। इसके लिए क्या होना चाहिए कि S1 से P तक का पाथ, S2 से P तक का पाथ, इनके ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए, ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा कि ऐसा कुछ अरेंजमेंट करना होगा कि S1 से P तक पहुंचने के लिए और S2 से P तक पहुंचने के लिए आपको पाथ की वैल्यू लगभग सेम रखनी होगी। तो हम यहाँ थोड़ा सा देखें, यदि मैं G2 को हटा दूँ तो क्या होगा आपका, लाइट का सुपर पोजिशन की बात करें, यहाँ से पॉइंट ओरिजिनेट होगा, यहाँ से लाइट निकला, ये ग्लास प्लेस में से निकला, किस पर इंसिडेंट होगा, M1 पर, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, फिर ग्लास प्लेट में से इंसिडेंट होगा, कहाँ मिलेगा आपका, फिर से इस ई रीजन में। सेकंड टाइप की लाइट की बात करें तो यदि मैं G2 को हटा दूँ तो यहाँ से डायरेक्ट वो किस पर इंसिडेंट होगा, M2 पर, और M2 से डायरेक्टली कहाँ पे आएगा आपका, सीधा इस एरिया में, वहाँ पर क्या होगा आपका, सुपर पोजिशन होगा। दोनों केस में हम देख रहे हैं कि ये वाला टाइप, यह ये वाला जो लाइट है, ग्लास प्लेट में से ट्वाइस टाइम पास हो रहा है, और यदि मैं G2 को हटा देता हूँ तो ये जीरो टाइम पास हो रहा है। इसमें इसका पाथ या इसका ट्रेवलिंग टाइम ज़्यादा रहेगा, इसका ट्रेवलिंग टाइम क्या रहेगा, कम रहेगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसा कुछ अरेंजमेंट करते हैं कि G2 सेकंड टाइप का लाइट रे भी सेम थिकनेस में से कितने पास हो जाए आपका, ट्वाइस टाइम, इसलिए उसी के पैरेलल में सेम एंगल पे सेम थिकनेस की हम G2 प्लेट प्लेस कर देते हैं। इस
इसमें कोई सिल्वर पॉलिश हम नहीं करते। सिल्वर पॉलिश नहीं करने के कारण इसका काम सिर्फ ये होता है कि ये ट्वाइस टाइम उस लाइट को क्या करता है, पास करता है। ट्वाइस टाइम लाइट को पास करने के कारण ये भी लाइट कितने टाइम पास हो जाता है आपका, ट्वाइस टाइम, और ये भी ऑलरेडी ट्वाइस टाइम है ही, इसलिए ओवरलैपिंग की पॉसिबिलिटी आपकी बनती है। और यहाँ पे जो फ्रिंजेस मिलती है वो सिर्फ फर्स्ट टाइप के और सेकंड टाइप के लाइट रे के कारण ही मिलती है। अब लाइट रे मिलने कारण ऑब्जर्वेशन में ये देखा गया कि जैसे ही आप टेलीस्कोप में देखते हो तो एम वन का एक्चुअल इमेज तो दिखता ही है, इसके साथ में किसका वर्चुअल इमेज दिखता है, एम टू का। दैट इज यदि आप टेलीस्कोप ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये एम वन मिलेगा और इसके साथ में क्या मिलेगा, एम टू डेस वर्चुअल इमेज। यदि ये देखा गया कि इसके बीच यदि 90 डिग्री है, किसके किसके बीच, आपका जो एम वन का फेस है और एम टू का फेस है, तो आपको ये एम वन और एम टू एग्जैक्ट पैरेलल दिखते हैं। पैरेलल के केस में आपको जो फ्रिंजेस है वो कैसे दिखती है, आपकी सर्कुलर दिखती है। और यदि ये 90 डिग्री यदि मेंटेन नहीं हो तो आपका ये जो जैसे एम वन है ये दूसरा आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और आपका जो फ्रिंजेस का शेप है वो क्या हो जाता है, आपका चेंज हो जाता है। प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि सर्कुलर फ्रिंजेस का एनालिसिस ज़्यादा इजी होता है, इसलिए हम ऐसा सेटअप करते हैं कि फ्रिंजेस कैसे दिखे, आपको सर्कुलर दिखे। तो इस प्रकार फ्रिंजेस के पैटर्न को देखने के लिए ये थोड़ा सा डायग्राम बनाया। यदि M1 और M2 आपस में ओवरलैप करते हैं तो उस केस में आपको एक डार्क ब्लैक स्पॉट दिखता है, और यदि ये बीच का सेपरेशन चेंज होता है तो आपको रिंग्स कैसी दिखती है, सर्कुलर दिखती है। इस प्रकार ये बेसिक सेटअप है। इसके अलावा भी आपको फ्रिंजेस अलग अलग दिखती है जो मैं आपको बुक में बताऊंगा अभी। ये देखो, यदि ये इस टाइप से डायरेक्शन है तो आपको फ्रिंजेस ये मिलेगी, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहा तो स्ट्रेट मिलेगी, इस टाइप से डायरेक्शन है तो आपको करेगा कि M1 और M2 के बीच का फेस कितना है। यदि 90 डिग्री है तो मेंटेन रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। तो ये बेसिक सेटअप है कि आपका माइकलसन इंटरफेरोमीटर क्या है, इसमें फ्रिंजेस कैसे बनती है। इसके बाद आते हैं इसके एप्लीकेशन पार्ट पे। एप्लीकेशन पार्ट की बात करें तो पहला है आपका टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, जो कि हम बायप्रिज्म में अपना डबल स्लिट में पढ़ सके, न्यूटन्स रिंग में पढ़ सके। दूसरा, टू डिटरमाइन डिफरेंस बिटवीन टू नेबरिंग वेवलेंथ, पास पास की वेवलेंथ है उसके बीच का डिफरेंस निकालने के लिए। थर्ड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थिकनेस ऑफ वेरियस थिन ट्रांसपेरेंट शीट, जो थिन ट्रांसपेरेंट शीट होती है उसका थिकनेस निकालने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और फोर्थ, फॉर मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड मीटर इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, स्टैंडर्ड मीटर का किसके टर्म्स में, वेवलेंथ के टर्म्स में मेजरमेंट कर सकता है। हमारे सिलेबस में सिर्फ तीन है, पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शनल, तो हम शुरू के तीन पढ़ेंगे, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो जस्ट हम फर्स्ट की बात करते हैं, मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ्स, कि हम वेवलेंथ कैसे निकालेंगे। तो वेवलेंथ निकालने के लिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये हम अब एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, बहुत इजी है, ध्यान से देखना। मिनिमम मैक्सिमा बता चुके हैं सर आपको, 2D इक्वस टू एन लेमडा और 2D इक्वस टू ट्वाइस एन प्लस वन लेमडा बाई टू। डी आपका ये एम वन और ये आपका एम टू, इसके कारण आपका ये सेपरेशन के कारण थिकनेस चेंज होने के कारण ये चेंज होता है, ये आपका ब्राइटनेस के लिए और ये आपका ये डार्कनेस के लिए। तो जस्ट ऑब्जेक्ट है आपका 2 डिटरमाइन वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, किसकी हेल्प से, माइकलसन इंटरफेरोमीटर की हेल्प से। तो इसके लिए सबसे पहले क्या लगेगा आपको, सेटअप लगेगा किसका, माइकलसन
इंटरफेरोमीटर का, जो हमने ये डायग्राम में अभी पढ़ा था। माइकलसन इंटरफेरोमीटर के सेटअप में सबसे पहले हम टेलीस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे कि आपका जो M1 है और M2 है एग्जैक्ट पैरेलल है या नहीं है। यदि पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि M1 का फेस और M2 का फेस के बीच कितना एंगल नहीं है आपका, 90 डिग्री नहीं है। तो 90 डिग्री को बेंड करने के लिए क्या करेंगे आप, ये जो बैक साइड स्क्रू लगे या तो M1 की ओर या फिर M2 की ओर, इन बैक साइड स्क्रू से हम क्या करेंगे, इतना सेट करेंगे कि हमें कौन सी पोजिशन दिख जाए, M1 और M2 डैश की। M1 और M2 डैश की पोजीशन जैसे दिख जाएगी आपको, फ्रिंजेस कैसे दिख जाएगी आपको, सर्कुलर दिख जाएगी। अब क्या होता है कि ये जो आपका एक्सिस होता है या तो M1 का या फिर M2 का, इस एक्सिस पे M1 को बैकवर्ड या फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। और कितना शिफ्ट किया इसके लिए यहाँ पे स्केल होती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन। तो हम वर्चुअल इमेज को डिस्कस ना करते हुए हम किसकी बात करते हैं, M1 की। यदि मैं इसको बैकवर्ड या फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस करूँ तो फ्रिंज पैटर्न में कुछ ना कुछ क्या आएगा आपका, चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा कि जो आपका सर्कुलर पैटर्न है उसमें हम देखते हैं कि या तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस अपीयर हुई दिखाई देती है या फिर डिसअपीयर होती दिखाई देती है। बुलबुला सुना होगा अपने साहब ने, या तो निकलती हुई दिखाई देती है या फिर कोलेप्स होती हुई दिखाई देती है। तो जनरली ऑब्जर्वेशन में ये देखा गया कि यदि इसको मैं इनिशियल स्टेट से फॉरवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्ट डिस्टेंस बढ़ाता हूँ तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या होती है, अपीयर होती है। और यदि डिस्टेंस रिवर्स बायस में करता हूँ या बैकवर्ड डायरेक्शन में करता हूँ तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या होती है, डिसअपीयर होती है। तो हम काउंट करते हैं कि डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, जैसे इनिशियल पोजीशन मान लो इसकी D1 है, मान लो दूसरी पोजीशन क्या है D2 है, इन दोनों के बीच कितनी फ्रिंजेस अपीयर हुई या डिसअपीयर हुई, N1 और हम क्या कर लेते हैं N2 काउंट कर लेते हैं। और उसके बेसिस पे फार्मूला सबको पता है 2D इक्वल्स टू क्या होता है N लैम्डा। एक डिस्टेंस के लिए ले लेंगे हम 2D1 इक्वल्स टू N1 लैम्डा, दूसरे डिस्टेंस के लिए ले लेंगे हम 2D इक्वल्स टू N2 लैम्डा, या 2D2 माइनस D1 इक्वल्स टू N2 माइनस N1। तो आपको एक मिनट बस फार्मूला बता रहे हैं आपको यहाँ पे, जैसे 2D1 इक्वल्स टू आ गया N1 लैम्डा, 2D2 इक्वल्स टू आ जाएगा N2 लैम्डा, 2D2 माइनस D1 इक्वल्स टू आ गया N2 माइनस N1 लैम्डा, या 2 इसको आप कैपिटल D इक्वल्स टू इसको N मान लो लैम्डा, या 2D इक्वल्स टू हो जाएगा आपका N लैम्डा, या लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा 2D/N। तो ये जो फार्मूला आ गया किसके लिए आ गया आपका, वेवलेंथ डिटर्मिनेशन, डी दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पोजिशन, एन दैट इज दो पोजिशन के रिस्पेक्ट में कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस अपीयर हुई और कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस डिसअपीयर हुई। ये डिटर्मिनेशन किसके बेसिस, ये तो फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया कि हाउ वी कैन डिटरमाइन वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स बाय यूजिंग माइकलसन इंटरफेरोमीटर। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं जो पढ़ा है हमने कि क्वेश्चन क्या है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर क्या है, इसमें रिंग्स कैसे बनती है, इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं और एक किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो मैंने जो बताया कि इसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, एक आपका लाइट सोर्स है, दो ग्लास प्लेट है, एक G1 दूसरा G2। G1 को हम बीम स्प्लिटर कहते हैं, इसके बैक साइड में पार्शियली सिल्वर पॉलिश होता है, जैसे उस पोर्शन पर लाइट इंसिडेंट होता है तो लाइट टू पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, इसलिए इसको बीम स्प्लिटर कहते हैं। उसके बाद ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है कि
जो डिवाइडेड पोर्शन है परपेंडिकुलर डायरेक्शन से ट्रेवल करे और मिरर के थ्रू उसी डायरेक्शन में उनका क्या हो जाए, रिफ्लेक्शन हो जाए। रिफ्लेक्शन के बाद उनका कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, सुपर पोजिशन होना चाहिए, और सुपर पोजिशन के कारण क्या प्रोड्यूस होगा, आपका इंटरफ्रेंस प्रोड्यूस होगा। इंटरफ्रेंस प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा, आप देखिए कि उसके लिए मैंने एक जी टू प्लेट का कंसेप्ट बताया कि जी टू को हम क्या कहते हैं, पाथ कंपनसेटर। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइप का लाइट रे प्लेट में से 2 आइस प्राइम पास हो रहा था, सेकंड टाइप का लाइट रे 0 टाइम पास हो रहा था, इसलिए पाथ को कंपनसेट नहीं पा रहा था और सुपर पोजिशन की पॉसिबिलिटी नहीं बन रही थी। इसलिए हम क्या किया कि सेम थिकनेस की सेम पैरेलली हमने जस्ट उसको पाथ को कंपनसेट करने के लिए प्लेट यूज़ किया, जिसे हम कहते हैं पाथ कंपनसेटर प्लेट। M1 और M2 जस्ट रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करते हैं, वो डिपेंड करेगा किस डायरेक्शन। फिर ऑब्जर्वेशन में ये देखा गया कि यदि M1 का फेस और M2 का फेस एग्जैक्ट परपेंडिकुलर हो तो फ्रिंजेस कैसे दिखती है, आपको सर्कुलर दिखती है। और उस केस में टेलीस्कोप में आप ऑब्जर्व करोगे तो आपका टेलीस्कोप में जो फ्रिंज पैटर्न है या मिरर्स की पोजीशन है, एक्चुअल इमेज दिखती है आपको किसकी, M1 की, और उसके साथ वर्चुअल इमेज दिखती है किसकी, M2 की। और एग्जैक्ट परपेंडिकुलर के केस में एक दूसरे के क्या दिखते हैं आपको, पैरलर दिखते हैं। यदि पैरलर दिख रहा है तो सर्कुलर दिखेगी, और सर्कुलर इसलिए ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि सर्कुलर शेप्स का स्टडी करना थोड़ा सा इजी होता है। उसके बाद हम इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे, तो इसके एप्लीकेशन 4 एप्लीकेशन है। वी कैन डिटरमाइन वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स, वी कैन डिटरमाइन डिफरेंस बिटवीन टू नेबरिंग वेवलेंथ्स, और थर्ड है और डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, फोर्थ है डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो शुरू के 3 हम स्टडी करेंगे, फोर्थ हमारे सिलेबस में नहीं है, उसको हम स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन ये पता होना चाहिए कि क्या एप्लीकेशन होता है। तो पहला एप्लीकेशन हमने पढ़ा डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, दैट इज ऑब्जेक्ट है हमारा कि हमें वेवलेंथ निकालना है किसकी, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स की। तो उसके लिए बेसिक सेटअप देखते हैं हम कि सर्कुलर रिंग्स मिल रही है या नहीं मिल रही, नहीं मिल रही तो हम सेटअप को देखते हैं कि 90 डिग्री पे है या नहीं है। उसके बाद जैसे सर्कुलर रिंग्स मिल जाएगी तो M1 या M2 को उसी के एक्सिस पे हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस करते हैं। तो डिस्प्लेस करने से क्या चेंजेस होता है कि सेंटर पे रिंग्स के या तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस अपीयर होती है या डिसअपीयर होती है। तो हम दो डिस्टेंसेस के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ अपीयरिंग और डिसअपीयरिंग रिंग्स को काउंट कर लेते हैं, और काउंट करने के बाद एक फार्मूला है आपका 2d1 = n1 लैम्डा, 2d2 = n2 लैम्डा, और उससे हम निकाल के आपका जो फार्मूला है ये डालते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, इतना रिवाइज कर लेना, मैं इसके नोट्स प्रोवाइड कर लूँगा। क्लास रिप्रेजेंटेटिव को अपना फीडबैक दे देना, कोई इशू हो आज के लेक्चर में तो हम इसको रिवाइज या रिकॉल करके फिर से आपको भेज देंगे। थैंक यू, गुड लक, इसके बाद प्रेशर क्लास लेंगे आपकी। बाय।